और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर चीनी मीडिया की तरफ से, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, सीडीएस बिपिन रावत मिले हैं आपसे कुछ देर पहले। क्या बातचीत इस बैठक में हुई है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, जरा विस्तार से मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानकारी। देखिए, रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, इन सब की बैठक चल रही है। और भारत ने यह साफ निर्णय किया है कि भारत एक इंच पीछे नहीं हटेगा, भारत शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन अगर चीन की तरफ से इसी तरह की नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर धक्का मुक्की या पत्थरबाजी होगी, बीती रात भी यही हुआ था, तो भारत इसका जवाब निश्चित तौर पर देगा। बीती रात की अब और कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक जब बॉर्डर कमांडर्स की ये बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगा, तो चीन के सैनिकों ने जमीन पर इसको मानने से इनकार कर दिया। वो कुछ पीछे हट रहे थे लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार नहीं जा रहे थे। ऐसे में भारत के निरंतर ऐसा कहने पर चीन की सेना की तरफ से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनके पास लकड़ियां थी जिनमें बड़े बड़े लठ, जिसमें लोहे के नाल और लोहे की कीलें उसमें गड़ी हुई थी, उससे उन्होंने हमला किया हमारे सिपाहियों पर। जो सेना की इन्फेंट्री बटालियन है, हालांकि हमारे पास उस बटालियन का नाम और कमांडिंग अफसर का नाम भी है, लेकिन जब तक सेना औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती हम भी नहीं बताएंगे दर्शकों को। तो वो सेना के कमांडिंग ऑफिसर रोहित आगे से लीड कर रहे थे, अपने जवानों का बचाव कर रहे थे, और इसी हाथापाई और मुक्केबाजी में और पथराव में उनको भी चोट आई। दो जवान जो उनके साथ थे उनको भी गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 जवान और हमारे घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में चीनी सिपाही भी घायल हुए इसके बाद। और आज सवेरे लगभग 7:30 बजे चीन ने बातचीत की पेशकश की, और उस बातचीत की पेशकश के बाद, चीन की पेशकश के बाद अभी भी बातचीत चल रही है। हालांकि चीन अब यह झूठा आरोप लगा रहा है रोहित कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके दो जगह पर चीन की सेना पर हमला किया। बातचीत की पेशकश चीन की तरफ से की गई कल रात को, हमला पहले चीन की तरफ से किया गया। अब भारतीय सेना का जो बयान है उसमें थोड़ा संशोधन आया है कि चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी, कोई औपचारिक जानकारी मिल पा रही गौरव आपको? अभी तक रोहित औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेचर्स पर कई चीनी सैनिकों को भी ले जाया गया था बीती रात। जानकारी के मुताबिक तीन से चार चीनी सिपाही भी या जख्मी हुए हैं या जख्मी से ज्यादा उनकी भी हालत हुई है, क्योंकि भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा सूत्रों का कहना है। औपचारिक तौर पर भारत यही कह रहा है कि दोनों तरफ लोग हताहत हुए हैं बीती रात की इस घटना के बाद। और आज सवेरे जब चीन ने बातचीत की पेशकश की बीती रात की घटना के बाद, तो यह बातचीत चल रही है। लेकिन इस बातचीत में भी भारत ने बहुत साफ शब्दों में दो टूक चीन को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को चीन परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या पेंगोंगसो की बात हो, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। भारत तब तक वहां पर रहेगा जब तक चीन की सेना हट नहीं जाती रोहित। लेकिन इस मौजूदा परिस्थिति में जो गौरव सावंत बता रहे हैं हमारे सहयोगी, वो ये कि फायरिंग कल रात भी नहीं हुई है, हाथापाई, मुक्केबाजी, लाठियां, डंडे, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई हैं। श्वेता सिंह, आप लगातार बता रही थी कि फायरिंग नहीं होती है, अमूमन जब वहां पर झड़पें होती हैं तो इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको युद्ध की संज्ञा ना दी जा सके, उसको उकसावे की संज्ञा ना दी जा सके, और बाद में यह कहा जा सके ये तो सैनिक आपस में भिड़ गए थे क्योंकि दो ट्रूप सामने सामने आ गए थे, लेकिन परिस्थिति तनाव की बनी रहे।
रोहित, वैसे तो हथियारों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां पर गोली बंदूक कह दिया गया है, पर हथियार नहीं होने चाहिए। चाइना अपनी तरफ से कुछ न कुछ परिवर्तन करके, और इसीलिए जैसा मैंने उस समय भी बताया कि कांटेदार तारों को लपेटकर और कीलों को ठोककर उन लाठियों पर वो लेकर आते हैं, और ये चाइना का ही ईजाद किया हुआ है। भारतीय सेना में तो इतनी शक्ति शारीरिक रहती है कि वो अपने हाथों से ही धक्का दे दिया करते थे चीनियों को उनकी सीमा में। आज की बात नहीं है, 62 में भी अपने हाथों से हमने एक लड़ाई रिजांगला में लड़ी थी उनके साथ, जिसके निशान आज तक चीन के पास मौजूद हैं। लेकिन रोहित, मैं दो चीजें यहां पर क्लैरिफाई करना चाहती हूं, दो चीजें जो लगातार चल रही हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एलएसी के सिचुएशन को लेकर। दो चीजें, ऐसा नहीं है, नंबर वन गोली, जिसकी बात अभी गौरव भी बता रहे थे, गोली नहीं चली है, ये सेना की तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी चीज, रिटेलिएशन में चीनी नहीं वहां पर कैजुअल्टी हुए हैं, बल्कि उसी घटना के दौरान, उसी घटना के दौरान जो हाथापाई हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, चीन की तरफ भी कैजुअल्टी है, हुई है, भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वो आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पारा उस समय, इस समय वहां पर हाई है, इतना ज्यादा तनाव वहां पर है कि लगातार बातचीत रुक रुक कर वहां पर हो रही है। सवेरे से जब से चीन की तरफ से कहा गया, तब जब से शुरुआत हुई है, वो इस समय भी वहां पर बातचीत ये चल रही है कि किस तरीके से इसे कम किया जाए। लेकिन रोहित, एक बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, और ये हर फौजी इस बात को मानेगा कि अब लड़ाई जो है वो जमीन की नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर को उनकी यूनिट एक पिता का दर्जा देती है। एक कमांडिंग ऑफिसर को अगर मारा गया है चीन की तरफ से, एक कर्नल के रैंक के ऑफिसर को, एक कमांडिंग ऑफिसर को एक यूनिट की, तो इस समय बहुत ज्यादा तनाव उस यूनिट में भी मौजूद होगा। और ये बहुत वाजिब बात है कि उनकी तरफ से ये जानना वो पसंद करें कि वो किस तरीके से इसका बदला ले पाएंगे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है, कमांडिंग ऑफिसर पर इस तरह का आक्रमण, इतने सीनियर अधिकारी पर जिसे पिता का दर्जा उसके सैनिक देते हैं, उस पर इस तरह का आक्रमण इस समय भारत के सामने बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा। चाहे किसी भी स्तर की मीटिंग हो जाए रोहित, लेकिन सबसे पहले जिसकी बात एक सैनिक सुनता है एक यूनिट के अंदर, वो होता है उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो न सिर्फ उसका एक लीडर होता है सैन्य एक्सरसाइजेज में, बल्कि एक पिता की तरह उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है।